छठ पूजा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। छठ पूजा के दौरान नहीं करनी चाहिए ये गलतियां। जाने नहाए खाए का सही नियम क्या है। नहाए खाए के साथ लोग आस्था का महापर्व छठ प्रारंभ हो रहा है। हिंदू धर्म में किसी भी पर्व की शुरुआत स्नान के साथ ही होती है और यह पर्व भी स्नान यानी कि नहाए खाए के साथ होता है। हिंदू धर्म में नहाए खाए विशेष महत्व है और अगर बाद महापर्व छठ की हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए छठ के लिए नहाए खाए करने के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। इसको लेकर आचार्य बताते हैं कि महापर्व मनाने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया है। चलिए वो हम आपके साथ साझा करते हैं। नहाए खाए के दौरान नियम निष्ठा का रखें पूरा ध्यान। मनोहर आचार्य बताते हैं कि नहाए खाए के दिन सर्वप्रथम घर की पूरी साफ सफाई कर ले। इस दिन सुबह नदी तालाब कुआं या फिर चापाकल पर स्नान करना शुद्ध और साफ वस्त्र धारण करें। अगर घर के पास गंगा जी हैं तो नहाए खाए के दिन गंगा स्नान जरूर करें। यह बहुत ही शुभ होता है। श्री आचार्य आगे बताते हैं कि छठ करने वाली व्रती महिला या फिर पुरुष को इस दिन चने की दाल और लौकी की शुद्ध घी में सब्जी बननी चाहिए। इसमें शुद्ध सेंधा नमक ही डालना चाहिए। इसके साथ शुद्ध बासमती अरवा चावल बनना चाहिए। तत्पश्चात भगवान गणेश जी और भगवान सूर्य को भोग लगाकर ही व्रती के सेवन करने के बाद ही घर के सभी सदस्य को भी यही खाना खाना चाहिए। छठ पर्व के दौरान घर में किसी भी सदस्य को मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं व्रतियों को इन बातों का रखना चाहिए विशेष ख्याल। जी हाँ दोस्तों, श्री मनोहर आचार्य बताते हैं कि नहाए खाए के दिन व्रती को हमेशा साफ सुथरे और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। नहाए खाए से छठ समाप्त होने तक व्रती महिला और पुरुष को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। उन्होंने बताया भी है कि छठ के दौरान आसपास एक अलौकिक माहौल का सृजन होता है। हिंदू धर्म में खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा महापर्व है छठ। इसके अलावा ये देश और अन्य राज्यों में भी बड़े ही धूमधाम से श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि छठ महापर्व दूसरे देशों में भी मनाया जाता है जिसमें मॉरिशियस, फिजी, गुयाना आदि देश प्रमुख हैं। दोस्तों, छठ पूजा के दौरान आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं और नहाए खाए का सही नियम क्या है, ये सभी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो जो भी महिलाएं या जो भी पुरुष छठ पूजा रखने की सोच रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाया जाए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मुझे सुनने के लिए आप मेरे चैनल अध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही से चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।